रेलवे स्टेशन विद्युत विभाग ने आज कार्यालय परिसर में विश्वकर्मा जयंती धूमधाम से मनाया। इस कार्यक्रम में पुरोहित अरुण कुमार पांडे विधिवत हवन पूजन करके विश्वकर्मा देवता से सभी कर्मचारियों के सकुशल काम करने का आशीष मांगा। इस अवसर पर शिव कुमार प्रजापति, अजय वर्मा, राजेंद्र श्रीवास्तव, सूरज, सुनील कुमार, अवधेश कुमार आदि भारी संख्या में कर्मचारी उपस्थित रहे। आज रेलवे विद्युत विभाग में जो है विश्वकर्मा पूजा के उपलक्ष्य में हाँ बताएं। देखो, आज जो है हमारे पावर हाउस में विश्वकर्मा भगवान की पूजा कराई गई और ये हर साल होता है। सारे स्टाफ मिल करके भगवान विश्वकर्मा भगवान जी से पूजा करते हैं और ये हम उनसे ये मांगते हैं कि हमें जो है बल बुद्धि और काम करने के लिए जो है शक्ति प्रदान करें। ये क्यों मनाया जाता है? ये भगवान विश्वकर्मा जी की जो है जयंती के अवसर पर हम लोग मनाते हैं, हर साल मनाया जाता है। हमसे उनसे यही प्रार्थना करते हैं कि हमें जो है कार्य करने की शक्ति दें और हमें फल बुद्धि दें और हमें जो है हमारे सभी समस्त स्टाफ को, समस्त अधिकारीगण को जो है अपना इस बार पीडब्ल्यूडी कार्यालय में अलग अलग पूजन ना होकर सभी के द्वारा एक ही जगह में विश्वकर्मा जी महाराज की भव मूर्ति स्थापित करके हवन पूजन किया एवं सकुशल कार्य संपन्न कराने हेतु आशीर्वाद मांगा गया। इस अवसर पर कर्मचारियों की भारी भीड़ रही। साथ के अभियंता एसके रावत, सीपी गुप्ता, यूसी श्रीवास्तव, एससी पांडे आदि मौजूद रहे। आज इस कार्यक्रम यहाँ पर कार्यक्रम जो हो रहा है इसके बारे में कुछ बता दें, विश्वकर्मा पूजा बारे में। विश्वकर्मा पूजा हम लोग यांत्रिक खंड हमारा धूमधाम से मनाता है और समस्त स्टाफ हमारा इकट्ठा है, हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। ये क्यों मनाया जाता है, आखिर क्यों, क्या ऐसा है? ये इसलिए मनाया जाता है कि विश्वकर्मा जी सबसे बड़े शिल्पकार थे, सबसे बड़े कंस्ट्रक्शन से इन्वॉल्व थे। जादूगर कहा जाता है हमको, भगवान कहा जाता है कंस्ट्रक्शन का जो है, तो हम लोग इंजीनियर्स हैं, कंस्ट्रक्शन से जुड़े हुए हैं, उनकी याद में हम लोग ये मनाते हैं। क्या नाम का है? क्या नाम का है? नाम सतीश कुमार रावत। भारतीय सहयोग संघ के जिलाध्यक्ष एडवोकेट रविंद्र पाल आज प्रेस क्लब के हाल में आज एक चिंतन शिविर का आयोजन किया, जिसमें वंचित समाज को संविधान में प्राप्त मूल अधिकार शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार को समाप्त कर सामाजिक न्याय के सिद्धांत को खत्म करने पर अपना विरोध जताया और कहा कि 2014 वंचित समाज 314 बच्चों को IAS बनने से रोका। जाति आधारित 2011 की जनगणना को प्रकाशित करना, 9000 बच्चों को डॉक्टर बनने से रोकना आदि बहुजन समाज के साथ किया गया बड़ा अन्याय था। साथ ही स्वामीनाथ कमेटी की रिपोर्ट लागू न करना भी एक बड़ा अन्याय है। शिव जन्म यादव, अजय कुमार निषाद, छविराम आदि मौजूद रहे। ये क्या हो रहा है, चिंतन शिविर? चिंतन शिविर चल रहा है आपका जी, क्या है इसमें? ये बड़ी गंभीर बातें हैं कि देश में जो एक सामाजिक व्यवस्था है वो जातियों पर आधारित व्यवस्था है, तो ये हमारे समाज का बहुत ही एक घातक पहलू है। लेकिन अगर किसी समाज में उसका अगर उसको हक नहीं दिया जाता तो बाकी समाज क्या हक होगा? अब देश की 90% जनता 80% जनता गांव में रहती है, खेती किसानी करती है, लेकिन आज स्थिति यह है कि बंटवारा दर बंटवारा होते चला जा रहा है जमीन का, लेकिन कोई सरकार 70 सालों में आज तक रहनुमाई नहीं कर सकी। शिक्षा की स्थिति वो है कि नकल सहारे पूरे देश में शिक्षा चल रही है और बच्चों को कोई जानकारी नहीं है, वही नकलची बच्चा टीचर बन जाता है, आप समझिए वो क्या पढ़ाएगा। ये सरकार के साये में सब पल रहा है, वही नकलची बच्चा IAS बनता है, नेता बनता है, वही चपरासी बनता है, वो सब जाके भ्रष्टाचार फैलाते हैं। तो देश में सब कोई भी चीज़ अपने सही मुकाम पर नहीं है। आज देश में कबीरदास ने हजारों साल पहले पाखंड खिलाफ इतना बड़ा आंदोलन चलाया कि आज उनकी रचनाएं हर किताब में हर क्लास में पढ़ाई जाती हैं, लेकिन फिर भी हर घर में पत्थर पूजा जा रहा है। उन्होंने कहा है कि पाहन पूजे तो हर मिले तो मैं पूजू पहाड़, याते तो चाकी भली पीस खाए संसार। इस देश की 90% औरतें ऐसी हैं जिनको खून कमी है, उनसे होने वाले बच्चे रेजिस्टेंस पावर वीक होने के कारण जिंदगी बीमार रहते, लेकिन दूध चढ़ता है मूर्तियों पर, पत्थर की मूर्तियों पर, और नाले में बह के चला जा रहा है। ये 70 साल के बाद की स्थिति है।
करोड़ों ऐसी औरतें हैं जिनकी सूखी छाती में दूध नहीं है, और करोड़ों ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने दूध देखा ही नहीं है। लेकिन क्या हो रहा है, और ऐसे दूध की बर्बादी हो रही है जिसका कोई नामो निशान नहीं है। बौद्ध काल में यह देश सोनी चिड़िया था, आज ऐसी कौन सी स्थिति परिस्थिति आई है इतने साल बाद कि यह देश अरबों खरबों रुपए घाटे में जा रहा है। ये देश आज भी सोनी चिड़िया है, ये अपना मानना है, मेरा मानना है। ये देश आज भी सक्षम है, लेकिन यहाँ की नीतियाँ सही नहीं है। जब तक इस देश में नीति नहीं सही होगी, इस देश का भला नहीं हो सकता है। यहाँ पैसा कुछ लोग मुठ्ठियों में कैद है, वो सब कुछ इतिहास में आ रहा है। ये विदेशों में सुस्त बैंकों में कौन समाज के लोग हैं जिनका पैसा जमा है? इसमें कोई दलित पिछड़े वर्ग के लोगों का पैसा नहीं है। यहाँ पर इसके पहले बीजेपी गवर्नमेंट सपा की गवर्नमेंट थी, और आज बीजेपी गवर्नमेंट उत्तर प्रदेश और भारत में है, तो इसमें क्या है, आपका क्या अंतर आया दोनों मिला करके? जो 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 सपा कर रही थी वही बीजेपी कर रही है, कोई अंतर नहीं है। एक ही थाली चट्टे बट्टे हैं। अगर कोई अब तक साथ मैं सभी पार्टियों की बात कर रहा हूँ, अगर 70 सालों में किसी पार्टी ने भी सही दिशा में काम किया होता, बहन जी का समाज ज्यादा उपेक्षित था, शिक्षा में कम था, लेकिन उन्होंने भी सर्व समाज को शिक्षा नहीं दिया, अपने समाज को भी शिक्षा नहीं दिया, सही दिशा में काम नहीं किया। वही काम माया मुलायम सिंह ने किया। अगर इन लोगों ने काम किया होता तो आज बीजेपी सत्ता में नहीं आती। जैसा कि आपका कहना है कि जिस तरह से बसपा की गवर्नमेंट, सपा की गवर्नमेंट और आज बीजेपी गवर्नमेंट यहाँ पर है, तो कौन सी गवर्नमेंट सही है? तीनों तो बेकार है। मैं तीनों की तरफदारी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो कमियां रह गई उनकी भरपाई होनी चाहिए। शिक्षा सही दिशा में होनी चाहिए, किसानों के लिए जो मूलभूत समस्याएं हैं, यानी खेती में उपयोग होने वाली चीज़ें उनको लागत दर पे दिया जाए, ट्रैक्टर, पानी, बिजली, खाद जो भी है, किसानों को उसको उसका हक मिले, उनको लाभकारी मूल्य दिया जाए। बीजेपी ऋण बांट रही है, फसल ऋण योजना चला रही है, इसमें क्या कहना आपका? देखिए, ये सिर्फ बेवकूफ़ बनाने का तरीका है। सही दिशा में काम हो, उनको रोजगार मिले, तब तो बात बनेगी। उनका हक मिले, उनकी आबादी के आधार पर उनको नौकरियों में जॉब मिले। अब आरक्षण का यहाँ विरोध हो रहा है, आरक्षण कोई भीख नहीं है। अगर मेरे घर में कोई बच्चा बीमार है, आपके घर में कोई बच्चा बीमार है, आपके तीन बच्चे हैं, एक बच्चा अगर ज्यादा बीमार है तो उसको पढ़ाई दवा दारू पर। बीएस फोर्ड ने आज पेरियार रामास्वामी की जयंती धूमधाम से गांधी पार्क में मनाया। इस कार्यक्रम को डाइवर्सिटी सम्मेलन बताया। सम्मेलन को संबोधित करते हुए बीएस फोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष आर के चौधरी ने बताया कि हमारी मांगे सभी पिछड़ी जातियों एवं जनजातियों को एवं समान आरक्षण मिलना चाहिए। आर के चौधरी ने पेरियार रामास्वामी के जीवन पर भी प्रकाश डाला। सम्मेलन का संचालन जेपी मास्टर ने किया। मौके पर रवि प्रकाश मौर्य, विनय रावत, सुरेश रावत, जुबेर खान, राम रावत, बाबूराम चौधरी आने मौजूद रहे। तो आज पेरियार नायकर का जन्मदिन है, और जन्मदिन के मौके पे उनको याद भी कर रहे हैं, साथ साथ इस देश में सामाजिक परिवर्तन के लिए जो भी महापुरुष लड़े हैं कि देश बदले, देश का समाज बदले, इस देश के हर जाति हर धर्म के लोग आगे बढ़ें, बराबरी और इंसानी ज़िंदगी जीने का मौका पाएं, इस मकसद से पेरियार रामास्वामी नायकर ने बड़ा काम किया था। उनकी चाहत थी कि भारत में जैसे वर्ण व्यवस्था है, जातिवाद है, वो मिट जाए। लोग लुटे हैं, पिटे हैं, कमज़ोर हैं, लाचार हैं, पिछड़े हैं, पिछड़े गए हैं, आखिर देश उनका भी है, कमज़ोर लाचार समाज के लोग ही आगे बढ़े। अमेरिका में भी भेदभाव था श्वेत अश्वेत। 1967 से अमेरिका के अश्वेतों को सरकारी नौकरी, प्राइवेट नौकरी, ठेकेदारी, पट्टेदारी, लाइसेंस, डीलर, डिस्ट्रीब्यूशनशिप, हर मामले में भागीदारी मिली। आज वही अश्वेत अमेरिका के आगे बढ़े और लगभग मजबूत हो गए। भारत में क्यों नहीं हो सकता? यही डाइवर्सिटी आंदोलन है, और ख़ासतौर पर पेरियार रामास्वामी नायकर के जन्मदिन के मौके पर धन्यवाद के लोगों ने अपने बलबूते प्रोग्राम रखा है, उनका मैं आभारी धन्यवाद देता हूं, और आने वाले दिनों में इसको और आगे बढ़ाऊंगा। नगर निकाय चुनाव यहां होने वाला है, तो बीएस फोर पार्टी के आपके चुनाव मैदान में आएगी? अब आज तो खाली जयंती है, कि इसमें क्या बोलेंगे? आज एक बीमार अवस्था में एक व्यक्ति सर्किट हाउस के सामने पड़ा मिला, जो कि काफी देर से पड़ा हुआ था, जिस पर आसपास के लोगों ने संवेदन दिखाते हुए 108 को फोन किया, तो उन्होंने उसे ले जाने से
ये कहकर मना कर दिया कि कोई साथ चले तो जाएंगे। इससे नाराज ग्रामीणों ने 100 नंबर पर फोन किया तो मौके पर पहुंची डायल 100 की टीम ने सहयोग कर अस्पताल पहुंचाया। ये रोडवेज के पास एक आदमी पड़ा हुआ गया, इसमें कैसे क्या कैसे देखा आप? काफी देर से पड़े हुए हैं, बहुत बीमार हुए हैं, तो इनको कोई पूछने वाला भी नहीं। कुछ पता चला कहाँ रहने वाले हैं? क्या है? हरदोई के रहने वाले हैं बता रहे हैं। अच्छा, तो आपने फोन किया किसी को? हाँ, 108 पे भी किया, 108 वाले कह रहे कोई साथ में होगा तब लेके जाएंगे। और पुलिस में फोन किया? पुलिस में फोन किया तो पुलिस वाले कह रहे हैं आ रहे हैं। कितना देर हुआ इनको? हो गया 2-3 घंटा। मतलब कोई और सामाजिक कोई आदमी आया? आ जा रहे हैं, बहुत लोग आ जा रहे हैं, कोई सहायता नहीं दे रहा है? देखने वाला कोई है नहीं। क्या नाम है? अभिषेक तिवारी। इसमें क्या करेंगे आप? मदद किया जाएगा और क्या। मदद क्या करेंगे आप? रोडवेज बस चालकों द्वारा इधर उधर बस खड़ी करने से जाम की समस्या हमेशा उत्पन्न होती रहती है तथा पुलिस द्वारा हस्तक्षेप करने पर रोड जाम करने पर उतर आते हैं। ऐसी ही घटना आज पुनः हुई जब ट्रैफिक पुलिस के सिपाहियों ने बस ड्राइवर से बस किनारे करने को कहा तो वह भड़क गए और कहा सुनी करने लगे तथा इस पर सिपाही ने चालान कर दिया, जिससे सभी बस चालकों ने अपनी बसें आड़ी तिरछी लगाकर नारेबाजी करते हुए सिपाही पर मारने का आरोप लगाने लगे। इस पर पहुंचे सिविल लाइन चौकी इंचार्ज डीपी सिंह ने समझा बुझाकर रास्ता खुलवाया। आप रोज देखते रहिए समाचार इसी चैनल पर इसी समय। धन्यवाद, नमस्कार।